long queue here that is making a jet shape like this and this to the main Gangotri temple. So by 3 a.m. this queue starts as per the Sarji here. So it's really really long queue. I was expecting to visit the temple, but right now I think it's not possible for me. So better to go to the camp and have breakfast. Aapka shubh naam, sir? Hikmat Singh. Hikmat Singh. आप क्या करते हो यहाँ पर? गाइडिंग का काम करता हूँ. आप गाइडिंग करते हो? अच्छा अच्छा ओके. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रैक के लिए आते हैं लोग, तपोवन या गोमुख? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग है जो तपोवन के लिए आते हैं. तपोवन के लिए आते हैं. उसके बाद ये जितने भी टीम जाती है, सुंदरबन, खड़ा पत्थर, खट्टेकुंड, गौर, शिवलिंग, मेहरो, खड़ा पत्थर, ये सब लोग मात्री पीक, थेलू पीक की क्लाइंब करने जाते हैं लोग. अच्छा, ये थेलू भी, थेलू के लिए भी जाते हैं? अच्छा ओके ओके, जो यहाँ से दिख रहा है. अच्छा, सुदर्शन है. अच्छा अच्छा ओके. अच्छा ओके, तो आप माउंट एवजन से तो नहीं है आपका कंटेंट? नहीं, मैं तो दार्जिलिंग से हूँ. दार्जिलिंग में माउंटेन नहीं है, हिल्स है. हाँ, सिक्किम में थोड़ा वो है. और यहाँ पर वो जो ये खच्चर वगैरह है, इनका क्या चार्जेस है? खच्चर 1500 रुपये 1 साइड. 1500 रुपया 1 साइड. अच्छा, जैसे आप अगर मैं उसको ट्रैकिंग में ले जाता हूँ तो वो मेरे को 1 साइड ड्रॉप कर देगा? 90 किलोमीटर. कितना? 1900. मतलब ये आपको करेगा 14 किलोमीटर. 14 किलोमीटर करेगा, उसके बाद घोड़ा खच्चर नहीं जाता है. अच्छा अच्छा, रास्ता डिफिकल्ट है. अच्छा, 14 किलोमीटर तक तो वो लेके जाएगा. मतलब आपका कहने का मतलब है हम लोग भोजभाषा तक लेके जा सकते हैं खच्चर को? अच्छा ओके, चलो बढ़िया. उसके बाद खच्चर नहीं जाते हैं? नहीं, आपको पोर्टर ही ड्रॉप करेगा. पोर्टर ही ड्रॉप करेगा. अच्छा ओके ओके, ठीक. कोई नहीं कोई नहीं. आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए. क्या? नहीं, मैं नंबर नहीं देता हूँ किसी को. नंबर नहीं देते हो? अच्छा ठीक, चलो. क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है ना, बिजी हो जाता हूँ. अच्छा अच्छा ओके. आज देखा ना आपने, अभी 2 बुकिंग मेरा ही कैंसिल हो गया. अच्छा अच्छा अच्छा, उनको पर्सनली जाऊँगा आप दोनों आदमी को. अच्छा, और आपका बुकिंग कैसे आप लेते हो? बुकिंग बस फ़ोन पे ले लेते हैं. फ़ोन पे ही लेते हो? अच्छा ओके. अब अच्छा ये है, ठीक, चलो कोई नहीं. यहाँ पर ये जो मेन गंगोत्री टेम्पल है उसको छोड़ के क्या क्या है देखने लायक? यहाँ पे तो कई जगह है. गौरीकुंड, ये गंगा टेम्पल हो गया, गौरीकुंड हो गया, सूर्यकुंड हो गया. गौरीकुंड किस तरफ पड़ेगा? इस तरफ पड़ेगा, उस तरफ. हाँ. कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर. आधा किलोमीटर. अच्छा, और सूर्यकुंड? सूर्यकुंड भी वहीं पर है. वहीं पर है. और? और उसके बाद है पांडव गुफा. पांडव गुफा कहाँ पर है? ये 2 किलोमीटर आगे. अच्छा, 2 किलोमीटर आगे, मतलब मतलब रास्ते के साइड. अच्छा, इसी साइड. अच्छा, सूर्यकुंड, गौरीकुंड और पांडव गुफा एक ही रास्ते में. हाँ. है. अच्छा ओके ठीक, चलो कोई नहीं. और आप यहाँ कहाँ रहते हो? मेरा घर गंगनानी में. ओह अच्छा, आप यहाँ से कहाँ से जाओगे? यहाँ से जाएंगे. यहाँ से ही जाएंगे. अच्छा चलो कोई नहीं. तो आप फ्रीलांसिंग करते हो, कोई कंपनी के साथ काम नहीं करते हो ना? नहीं. अच्छा, हम लोगों का है क्या कंपनी के साथ काम करना? अच्छा अच्छा, हम लोगों ने भेड़ बकरी चुंगाई, हमें तो हर चीज मालूम है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. यहाँ के लोग ट्रैकिंग को छोड़ के बाकी क्या काम करते हैं? हम लोग अपना एप्पल, एप्पल का, हाँ, एप्पल बगीचा है. और राजमा उगाते हैं. राजमा भी उगाते हो? और पोटैटो. अच्छा, पोटैटो भी होता है. और बाकी ये सीजन पे हम लोग निर्भर निर्भर पे. अच्छा
अच्छा, ये ज़्यादातर आप बोल रहे हो टूरिस्ट का भी एक इनकम सोर्स है। जब सितंबर अक्टूबर में कोई 5 किलो सेब ले जाता है, कोई 2 किलो राजमा ले जाता है। अच्छा, अब जैसा आपके यहाँ सिक्किम में है, हाँ जी, आपको अच्छा है यहाँ का राजमा, राजमा ले गए, एप्पल अच्छा लगा, एप्पल ले गए। अच्छा, ऊन के कपड़े बनते हैं यहाँ पे, प्योर ऊन के। अच्छा अच्छा, बगोरी गाँव में। एप्पल कैसे किलो का कैसे है? अभी रेट नहीं खुला है, रेट नहीं खुला है, पर नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली ये 25-30 रुपये किलो। ओ, 25-30 रुपये किलो, हाँ जी, बहुत बहुत सस्ता है। तो राजमा, राजमा 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, हाँ राजमा तो ठीक ही है। अभी आप शायद नीचे जाओगे। थैंक यू जी। हाँ जी हाँ जी, हम यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए।